में रह जाती है और वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करती और वो कैच आउट हो जाते हैं। जो बॉल जैसी आएगी, मैं अगर वो बॉल वाकई मारने वाली होगी तो उसे आप रोकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ जो है आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये वीडियो जो है, इसका टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कुछ लोगों ने, कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये पूछा है। उनकी शॉट जब वो मारते हैं तो उनकी जो बॉल है वो हवा में रह जाती है और वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करती और वो कैच आउट हो जाते हैं, तो क्या ऐसी वजूहत होती हैं जिनकी वजह से वो गलती कर रहे होते हैं और उसकी वजह से उनका शॉट पूरा नहीं जाता और वो कैच हो जाते हैं? तो ये मिस्टेक दूर करने के लिए इस पर आज हम बात करेंगे। तो चलें अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो मैं इसमें बताता हूँ कि जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो आप ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा कर रहे होते हैं कि एक तो आप पहले से दिमाग में बना लेते हैं कि मैं जो है ये बॉल जैसी भी होगी इस पर शॉट मारूंगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, याद रखिएगा। एक बड़ी मिस्टेकों में एक बड़ी मिस्टेक ये है कि जो बैट्समैन आते ही पहले ही बॉलर के आने से पहले सोच ले कि ये जो बॉल भी कराएगा मैं इसको मारूंगा शॉट। तो ये अमकाना सोच है, क्योंकि ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप पहले से ही सोच लें कि मैं इसको मारूंगा। आपको क्या मालूम कि आप बताओ अच्छी बॉल कर दे और वो अच्छी बॉल करके आप आउट हो जाए उस पर। तो अच्छी बॉल पे अच्छा ही खेला जाता है। अच्छी बॉल पे अगर आप मारने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप कैच भी हो सकते हैं। तो मैंने अभी ये बात की है कि आप जो है पहले से जो सोच लेते हैं उसको आप ये उसके बजाय ये सोचें कि जो बॉल जैसी आएगी मैं वैसा खेलूंगा। ये है राइट सोच कि जिस तरह की बॉल होगी उसको वैसा खेलूंगा। अगर वो बॉल वाकई मारने वाली होगी तो आप उस पर लाजमी मारेंगे। ये मेरा कहने का मकसद नहीं है कि आप जो है वो मारने वाली बॉल पे भी रोक लें उसको। नहीं, अगर वो छक्के वाली बॉल है तो उसको छक्का जाना चाहिए, अगर वो चौके वाली बॉल है तो उसे चौका जाना चाहिए, और अगर वो ऐसा बॉल है कि जिसे रोकना चाहिए तो उसे आप रोकेंगे। क्योंकि बॉलर अच्छे भी तो होते हैं, सारे बॉलर तो ऐसे नहीं होते कि सबको ही मारा जा सकता है, क्योंकि बॉलर भी तो बॉलिंग कराने आया ना। जैसे आप एक अच्छे बैट्समैन है तो एक अच्छा बॉलर भी होता है, तो वो आपकी यही तो बैट्समैन की होशियारी और समझदारी होती है। अच्छा बैट्समैन क्या होता है, वो ये सिलेक्ट करता है कि मैंने किस बॉल पे मारना है और किस बॉल पे नहीं मारना, यही उसकी बेहतरीन सलाहियत होती है। इसकी वजह से वो बड़ा बैट्समैन बनता है। एक तो ये पॉइंट दूर कर दें दिमाग से कि आपने पहले से डिसाइड कुछ नहीं करना, ठीक है, ये हो गया पॉइंट। मैंने अपनी पहली भी कई बैटिंग टिप्स में बात कही हुई है, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। सेकंड बात जो है, आपने जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो ये बहुत ज्यादा कैच आउट हो रहे हैं, यानी ज्यादातर जाते हैं और फौरन कैच होके आ जाते हैं, ये वीडियो मैं स्पेशली उनके लिए बना रहा हूँ। तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जाके बैटिंग में सबसे पहले जाके कुछ बॉलें रोकनी है या स्लो खेलना है, एक आध रन लेना है, मिडिल करनी है। या अगर आप ये समझते हैं कि जी मैच में अगर आप ऐसा करेंगे तो बॉलें डॉट्स होंगी जिसकी वजह से टीम को नुकसान होगा, तो फिर आप ये प्रैक्टिस में ये चीज करें कि आप जब प्रैक्टिस करने जाएं तो आप ये सोच के जाएं कि मैं सारी छः की छः बॉलें रोकूंगा। आप चाहे वो छक्के वाली बॉल हो या वो चौके वाली बॉल हो, आप पहले शुरू में प्रैक्टिस में आप कुछ बॉलें डॉट गुजारें, यानी रोकना सीखें। क्योंकि याद रखिएगा, जो बॉल को रोकना सीख जाता है वही बैट्समैन बॉल पे फिर छक्के भी मारना उसको आता है, क्योंकि उसको टाइमिंग जो होती है उसकी बहुत अच्छी हो जाती है बॉलें रोक रोक के। आपने, मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा, आप ये बात आपने नोट किए, जितने भी टेस्ट प्लेयर्स हैं आपने नोट किया वो कितने अच्छे बैट्समैन होते हैं, फिर वो जब मारने पर आते हैं, हिटिंग पे आते हैं, तो उसमें से कैसे कैसे टेस्ट प्लेयर हैं जो बहुत बड़े बड़े हार्ड हिटर बने, जिसमें फॉर एग्जांपल आप देख लें विराट कोहली हो गए, आपके बाबर आजम हो गए, ये टेस्ट प्लेयर भी है और आप देखें कितनी अच्छी बैटिंग, हिटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, जब हिटिंग पे आते हैं तो हिटिंग भी क्लास की करते हैं। रोहित शर्मा कितनी अच्छी हिटिंग करते हैं, हार्दिक पांड्या कितनी अच्छी हिटिंग करते हैं। अच्छा, इसी तरह शुभमन गिल हैं, वो टेस्ट प्लेयर हैं इंडिया के, लेकिन जो है जब वो हिटिंग करने आते हैं तो वो हिटिंग, आप देखें कितने ही प्लेयर गिनवा दूंगा जो टेस्ट प्लेयर भी हैं और इतने ही अच्छे वो हार्ड हिटर भी हैं। इसी तरह इंग्लैंड की टीम में आप उठा लें, इंग्लैंड की टीम में कितने बेहतरीन प्लेयर हैं, जॉस बटलर हैं और आपका बेयरस्टो है, ये टेस्ट भी खेलते हैं और यही T20 के भी जबरदस्त हार्ड हिटर हैं। ये जो बात मैं कर रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं कर रहा आपसे कि जो बात बोल दी तो वैसे उसकी कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक यही है कि जो बैट्समैन बॉल को रोकना अच्छा जानता है, स्लो खेलना अच्छा जानता है, वही हार्ड हिटर भी अच्छा बन सकता है। उसकी वजह ये है कि उसकी जो आई साइड है और उसकी जो टाइमिंग है और जो उसका फैसला करने की सलाहियत है कि किस बॉल पे कहाँ मारना है, ये वो सीख जाता है।
जो बॉल को रोकना जानता है, स्लो खेलना जानता है, और जो हार्ड हिटर बनना चाहता है फिर वो उनका हिसाब तो भाई फिर वही होता है कि चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, वो फिर बैट्समैन वो रह जाते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि उन्होंने जाते ही बस मारने की कोशिश करनी है। तो आपने इस पे अमल करना है कि आपने जाके प्रैक्टिस में बॉले रोकना सीखे, रोके स्लो स्लो, और मैच में भी अगर आपको देखें मैच में ये प्रॉब्लम जिसको भी आ रही है कि वो आउट हो रहा है और वो जो है उसको उसकी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट उसने दोबारा लानी है और वो नहीं अच्छा खेल पा रहा, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि वो मैच में भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है अचानक कि वो जाता है और प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो पहले अपनी आई सेट सेट करने के लिए कुछ बॉलें सिंगल सिंगल ले, सिंगल सिंगल लेने के बाद जब उसे ये लगे मैच के दौरान कि अब मेरी आई सेट और मेरी टाइमिंग दोनों बेहतर हो गई है और अब मैं ये फैसला कर सकता हूँ कि किस बॉल पे कहाँ मारना है, तो फिर पूरा शॉट मारें और पूरा टाइमिंग से शॉट मारें। और जो मैंने बैट स्विंग की वीडियो बनाई हुई है उसको देखें कि आप हाफ शॉट नहीं खेला करें, पूरा फुल शॉट खेला करें कि ताकि जब आपके लगे बॉल तो वो बाउंड्री से बाहर जाए। अगर आप हाफ शॉट खेलेंगे तो बॉल वहीं खड़ा हो जाएगा और आप कैच हो जाएंगे। तो अगली चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। अगली बेहतरीन वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।